की फुलदेही के बाद बच्चों की कमाई है एक थाली चावल एक थाली चावल और कितने पैसे जाए साया बनाते थे ये खाने वाली साई होती है साली वाली साई सारे जीजा नहीं सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल बी विद बीनू। कैसे हैं आप सब? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था फुलदेही सेलिब्रेशन क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो इसमें ये जो चावल बच्चों को दिया जाता है, जो भी दो चार घरों में वो जाते हैं, तो थोड़ा सा चावल गुड़ शगुन के तौर पर उनको जो दिया जाता है, तो इस चावल का क्या करते हैं। तो रिवाज के अनुसार, हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, ये जो चावल आता है इसको भिगा करके, धो करके भिगा लिया जाता है और उसको पीस करके शाम को इसका मीठा हलवा बनता है। तो चलिए मैं आपसे शॉर्ट क्लिप में शेयर कर रही हूँ कि हमने कैसे इसको बनाया था। हाँ, तो बच्चों को देते हैं पैसे और ये जो चावल इकट्ठा होता है इसका शाम को बनाया जाता है मीठा हलवा, जिसको बोलते हैं साई। सेवई बोलते हैं सर, साई साई। तो इसको मैंने पीस लिया है, इसका पीस के हम बना रहे हैं हलवा। इसमें मिलाएंगे, यानी ये गुड़ मिला था, ये गुड़ आता है चावल के साथ, तो ये गुड़ को महीन मिक्स कर लिया है, इसको भी हम मिला देंगे इसमें और चावल को इसमें पीस देंगे और ये मीठा मीठा सा टेस्टी सा हलवा बन जाता है। आज सासू मां बना रही हलवा। अबे तू फुलदेही बारे में बता के ये आगे बच्चे गुड़ लाते थे, चावल लाते थे, यहाँ चा कैमरा में, और फिर शाम को चावल भिजा के साया बनाते थे। साई बनाते थे, साई ये खाने वाली साई होती है, साली वाली साई। हां, साले जीजा नहीं, खाने वाला साई, खाने वाली साई। हां, हमारे पानी की रिवाज ऐसी होती है। सुबह का, और ये नया महीना शुरू हो गया आज से, यानी चैत पहला पहला कहते हैं ना, पहली तारीख, ये नया साल, ये वैसे हिंदू नववर्ष कैलेंडर से ये चैत का महीना पहला महीना होता है, नवरात्रि के साथ नया संवत्सर आ जाता है और आज से बसंत ऋतु के आगमन का फूल त्योहार होता है, इसलिए भी फुलदेही है और नए साल का आरंभ होता है। तो लड़कियों को ये महीने में भिटोली कहते हैं, हमारे वहाँ भिटोली देते हैं। इस महीने में भिटोली दी जाती है, बहन को भिटोली देने जाया जाता है। इनने कर दी है पूरी तैयारी, इन्हें चावल इकट्ठे करके ये साई बनाते हैं, पता नहीं झोली बनाते हैं, इन्हने बना दी है, साई बन रही है, साई खाने वाले भी आ गए हैं। क्या खाओगे? हाँ, इनकी कमाई है, ये इन्हें कमा के लाए हैं, ये आज दिन भर इनकी कमाई है, तो आज अपने बच्चों का कमाया हुआ खा रहे हैं हम फिर से। तो सिंपली चावल को हमने भिगा लिया था एक घंटा, उसके बाद इसको पीस लिया, उसके साथ ही उसमें गुड़ मिक्स कर लिया था। दो बड़े चम्मच डालेंगे अच्छे से घी, थोड़ा सा डाल देंगे उसमें सौंफ और जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था बैटर लाइक, उसको हम इसमें डाल देंगे और धीमी आंच में इसको हल्के हल्के से पका लेंगे और फिर इसमें ऐड कर लेंगे नारियल कोरा हुआ, ग्रेट किया हुआ। बढ़िया तैयार हो जाता है श्रीमती कमला देवी। ऐसा ही खाना। तो ये बन के रेडी हो गई है साई, यानी चावल को पीस करके बढ़िया सा हलवा, दरदरा सा चावल इसमें पीसा जाता है देखिए, और खाने में भी ना टेस्टी होता है। बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा अच्छा घी डला हुआ है ज़्यादा अमाउंट में, और ये बढ़िया सा बनके रेडी हो गया है, यू कैन सी। और थोड़ा सा ना चीनी इसमें बाद में स्प्रिंकल किया मैंने, अच्छा लग रहा है। तो हमारे वहाँ दूसरे तरीके से बनाते थे, बट मेरी सास ने बोला कि इसको पीस के पानी जैसा बना ऐसे करते हैं, तो उन्होंने बताया, तो आज उनके तरीके से बनाया है। ये गुड़ को पीस लिया, उसके बाद इसमें चीनी को देखिए स्प्रिंकल किया हुआ, बढ़िया सी खुशबू के साथ, बहुत टेस्टी भी हो रहा है खाने में, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये था आज का स्पेशल फुलदेही हलवा सेवई। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।